हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, है ना? और आज भी मैं एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी क्या है? वो है सोया चिली। सोयाबीन से चिली का एक रेसिपी मैं आप लोग के सामने लाई हूँ। एक बार ज़रूर देखिए, उम्मीद करते हैं पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी प्रोसेस में मैंने बनाया है, झटपट बनने वाला रेसिपी है। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब का एक बटन रेड कलर का लिखा रहता है, प्लीज़ उसको दबा दीजिए। आप लोग के मोबाइल से कोई पैसा नहीं कटेगा, पर मेरी एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगी, है ना? और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि सोया चिली कैसे बनता है। चलिए बनाते हैं। आप लोग देख ले मैंने यहाँ पे कितना पानी डाला है। लगभग यहाँ पे मैंने एक कप से थोड़ा ज़्यादा पानी है, और इसमें मैं इतना सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक डालूँगी। और साथ ही साथ ये मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा सा सोया सॉस, और ये है ग्रीन चिली। बस इसका एक बॉइल्ड आ जाए, एक उबाल आ जाए। ये देखिए उबाल आ गया है, और अब मैं इसमें सोयाबीन डालूंगी, जो कि लगभग 2 कटोरी है। पानी एक बार घी में बिल्कुल मत दे, क्योंकि पानी को मुझे इसको सुखाना है, इसलिए इस तरह चलाते हुए इसको बॉइल्ड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम पानी मिलाएंगे। देखिए पूरा पानी इसने सोख कर लिया है। अब मुझे पानी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए पानी कतई एक संग मत डालें, थोड़ा पानी डालें, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर डालेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं, और उसके उस बीच में हम लोग ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा तेल मिला लेते हैं। तेल मैंने लगभग 3 चम्मच मिलाएंगे। मज़े की बात यह है कि इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए तेल थोड़ा गर्म हो जाए। चलिए तेल गर्म हो गया है, और आप लोग देख लें यहाँ पे मैंने लहसुन और हरा मिर्चा लिया है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, पर ज़रूर डालें, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब मैं प्याज को डालूँगी। यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिया है, मध्यम आकार का मैंने 3 प्याज लिया है, और प्याज भी देख ले किस तरह मैंने बड़ा बड़ा काटा है। तो इन्हें भी हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लें, ज़्यादा नहीं। सोया चिली में ज़्यादा उतना फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छा बनता है, ये बात तो पक्की है। चलिए अब इसमें हम शिमला मिर्चा डाल रहे हैं। शिमला मिर्चा मैंने 2 लिया है, और इन्हें भी आप देख लें कैसे टुकड़ों में मैंने काटा है। इन्हें भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अब मैं इसमें टमाटर को मिलाऊंगी। टमाटर यहाँ पे मैंने 2 लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा नमक मिलाऊंगी। नमक को हमेशा थोड़ा सा संभल कर मिलाए, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मिला लेंगे, पर पहले मत मिलाए ज़्यादा। चलिए इन्हें भी थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे, और बाकी सब सॉस को मिलाएंगे, जो कि देख लीजिए ये टमाटर केचप है, जो कि मैंने इसे यहाँ पे 3 चम्मच लिया है। इन्हें मिला देते हैं। ये चिली सॉस है, इसे हमने 2 चम्मच लिया है। और ये सोया सॉस, जो कि हमने 1 चम्मच भर के लिया है। और साथ ही साथ हम पानी को भी मिलाएंगे। चलिए इन्हें मिक्स कर लेते हैं। बस
थोड़ा सा एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक उबाल आने तक। देखिए बहुत अच्छे से एक उबाल आ गया है और अब मैं इसमें अरारोट का घोल मिलाऊंगी, जो कि मैंने इसमें सिर्फ एक चम्मच अरारोट लिया है और पानी के संग मैंने घोला है और कुछ नहीं। और इन केस आपके घर में अगर अरारोट ना हो तो उस जगह पे आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर यही है कि गुठलियों को अच्छे से देख ले, घोल ले। चलिए इन्हें मिला देते हैं और साथ ही साथ इसको चलाएंगे। मेरा ये ग्रेवी बन के तैयार है। चलिए अब सोया चंक्स का भी कुछ कर लेते हैं। ये देखिए इसमें कितना अच्छे से पानी गया है, कितना जूसी है। इसलिए मुझे पानी नहीं मिलाना है, बस इसमें मैं लगभग मैं 2 से 3 चम्मच अरारूट मिलाऊंगी। और फिर मैं बोल देना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस के पास आप लोग के पास अरारूट ना हो तो इसका जगह आप लोग मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर निचोड़ ले तो इससे पानी अपने आप निकलेगा। बस इतना ही करना है और हम इसको अब इसको डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने तेल को पहले इसमें डाल दिया है और तेल हमेशा थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि सोयाबीन जो है बहुत जल्दी तेल एब्जॉर्ब करता है। और मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने रिफाइंड इसमें डाला है। चलिए इन्हें हम लोग डाल देते हैं सोयाबीन को, हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करें। अच्छे से फ्राई ज़रूर करें और ध्यान रखें फ्लेम हमेशा इसका हाई रखें, तो जल्दी से आपका फ्राई अच्छे से हो जाएगा। मैंने धीमे धीमे करके मैंने सारे सोयाबीन इसमें डाल दिए हैं, बस कुछ नहीं करना है इस समय, अच्छे से फ्राई करना है और इसका कोई काम नहीं है, फिलहाल कोई काम नहीं जी। और मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए जी। कोई लाइक भी नहीं करता, मुझे कोई नहीं प्यार करता, आप लोग कोई नहीं प्यार करता, करते हो ना। चलिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब दूसरे प्रोसेस में चलते हैं हम लोग। अब मैंने ग्रेवी को भी फिर से गैस में मैंने चढ़ा दिया है और साथ ही साथ इसी में मैं सोयाबीन को भी डालूंगी। बस एक उबाल आएगा और ये पूरी तरह से कंप्लीट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप इसको रोटी के संग खाए, चाहे नान के संग खाए, चाहे फ्राइड राइस के संग खाए, जिसके संग भी खाइए, बहुत अपने आप में स्वादिष्ट है। पर एक उबाल आना ज़रूरी है कि पूरा जूस अंदर तक जाए, है ना। ये देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है इसमें, अब मुझे इसे कुछ नहीं करना है, बस सर्व करना बाकी है। उम्मीद करते अच्छी लग रही होगी रेसिपी, मन हो रहा है कि तुरंत बनाएं, चलिए बनाते हैं, जरी जल्दी से बनाते हैं। चलिए ये रहा आप लोग के लिए सोया चिली, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर जब तक आप लोग घर पे ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कि ये कैसा बनता है। ये अपने आप में इतना स्वादिष्ट है कि लगता है कि ऐसे ऐसे ही खाए, कोई चीज़ नहीं, नान की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। खैर आप लोग की पसंद है, अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करते रहे तो मुझे भी लोग पहचानेंगे, है ना। खैर मैं फिर मिलूंगी दूसरी रेसिपी के साथ, आज के लिए बाय।